नमस्ते। तो आज हम चल रहे हैं धर्मस्थला। ये मेरा होटल का बाहर का व्यू था जो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाजू में आपको कॉफड़े मिल जाएगा कुछ फ्रेश अप होने के लिए। लोग बाहर आ रहे हैं, सब मंदिर के लिए रेडी हो रहे हैं और कॉफ़ी डे सुबह खैर खाली ही पड़ा रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ ये होटल का। ये साइड में पार्किंग है, यू कैन वॉश योर कार्स हियर। और थोड़ा आगे चलते हैं। ये इस होटल का एंट्रेंस गेट हो गया। राइट साइड में आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। अगर आप स्टे नहीं भी कर रहे हो तो भी आप उधर जाके अपना स्नैक्स या ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये अपना पार्किंग लॉट है जहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, वो सेफर साइड। और ये है ब्यूटीफुल होटल। आगे बढ़ते हुए हम आगे जब जाएंगे तो ये है हाईवे। लेफ्ट वाला ज़्यादा है धर्मस्थला और राइट वाला ज़्यादा है बेंगलोर साइड में। सो बहुत ही अच्छा मौसम था। ये देखिए, शानदार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विलाज मिल जाएंगे आपको धर्मस्थला में, मतलब जो प्राइवेट विलाज होते हैं आपके स्टे के लिए और टू इन्जॉय द नेचर विच इज़ बिटवीन द फॉरेस्ट। आशा करते हैं कि आज धर्मस्थला में रश ना हो और हमारे दर्शन जल्दी हो जाए। और ये अब हम पहुंच चुके हैं धर्मस्थला। ये धर्मस्थला का मेन गेट है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे चप्पल उतारने का सेक्शन है, जहाँ पे आप अपनी चप्पल उतारिए और आगे बढ़िए। आगे जब आप जाएंगे तो आपको दो लाइन मिल जाएंगी। एक लाइन है जिसमें आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो चप्पल रखने का स्टैंड है, ये आप जो देख रहे हैं इधर का जो लेफ्ट साइड में, ये वाला जो है ये 200 रुपये वाला लाइन है। इसमें आपको दर्शन जल्दी हो जाएगा पर इसमें आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। और अब आगे चलते हैं। जो फ्री लाइन है उसमें आपको कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल उसी में प्रिफर करते हैं कि दर्शन आराम से करेंगे, शांति से करेंगे। सो उधर दो सुविधा मिल जाएंगी आपको। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप VIP दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप एकदम हॉलिडे के मूड में आए हो तो यू कैन एंजॉय द फ्री दर्शन। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था द क्लाइमेट वॉज गेटिंग हॉटर, बहुत गर्मी लगने लग गई थी। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट में बहुत सारी पब्लिक वेटिंग में खड़ी है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि 200 रुपये वाले में ही जाएं, पर अभी देखते हैं हमारे साथ में है उनके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेते हैं और उसके ऊपर हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिर हम लोगों ने डिस्कस करके हम लोगों ने सोचा कि हमको और भी जगह जाना है तो हम लोग 200 रुपये वाले ही दर्शन करेंगे। सो हम लोग 200 रुपये वाली लाइन में जा रहे हैं जो यहाँ से आगे जाके लेफ्ट में मिलती है आपको। वो कीप ऑन चेंजेस, वो मतलब चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पब्लिक। मतलब अगर ज़्यादा पब्लिक आ रही है तो वो अपनी गेट्स भी चेंज कर देते हैं जो 200 रुपये की लाइन होती है। या तो वो एक पे करते हैं या फिर वो तीन पे करते हैं। और दो यूजुअली फ्री लाइंस के लिए होती है बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आप एक बार जब आप जाओ तो उधर एक बार इंक्वायरी कर लो तो वो सही रहेगा आपके लिए। ये वाला राइट वाला जाता है विला की तरफ, जो 2 नंबर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, और स्ट्रेट जाता है अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर के लिए। ये मंदिर का बाहु आउटर का व्यू है। ये ऐसा दिखता है बाहर से मंदिर। लोग यहाँ से वापस एक बार भगवान को प्रार्थना करते हैं, अपनी विशेस मांगते हैं और फोटोग्राफ्स लेते हैं। यहाँ पे ओनली एग्जिट है, यहाँ पे एंट्री नहीं है। ये देख सकते हैं अभी हम लाइन में घुस सके हैं। ये हमारे 200 रुपये वाली लाइन है, VIP लाइन बोल सकते हैं हम इनको। आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको क्राउड दिखाने वाला हूँ कि कितना क्राउडेड था उस दिन। ये देखिए लेफ्ट और राइट
फुल्ली क्राउडेड था। ये देखिए, मंजुनाथ स्वामी जी का मंदिर है ये, जो बेसिकली शिव जी के नाम से, शिव जी का एक रूप है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अन्नपूर्णेश्वरी किचन में, जहाँ पे फ्री प्रसादम दिया जाता है मंदिर की ओर से। बहुत ही खूबसूरत प्रसाद होता है, बहुत ही शानदार प्रसाद होता है और बहुत ही टेस्टी प्रसाद होता है। अगर यहाँ पे आप राइट लेंगे तो आपको अन्नपूर्णेश्वरी माता का किचन मिलेगा, जहाँ पे आपको स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा। ये यहाँ पे हम कुछ वेट कर रहे हैं हमारे साथियों के लिए, और ये हम चल पड़े अन्नपूर्णेश्वरी किचन की ओर। वंस इन लाइफ टाइम आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे आप अपने बाल भी एज डोनेट कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो भगवान को, टू फुलफिल योर विशेज और टू सैक्रिफाइस योर थिंग टू द गॉड। और ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ये मंदिर है। अभी भी बहुत बड़ी लाइन है, अभी बज गए हैं 1:20 हो गए अभी, और रश अभी भी बहुत ज़्यादा है। और ये आप जो सामने देख सकते हैं क्रीम कलर की बिल्डिंग, वो अन्नपूर्णेश्वरी किचन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ये शायद मेरा फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर वीडियो है, सो इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर। थैंक यू।